वायुरोदनालीयते मनः जालपक्षिवद्रोदसाधनम् चित्तवायवाश्चित्क्रियायुताः शाखयोद्वयी शक्तिमूलका लयविनाशने उभयरोधने लयगतं पुनर्भवति नोऽमृतम् प्राणबन्धनालीनमानसम् एकचिन्तनानाशमेत्यतः नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यतः दृश्यवारितं चित्तमात्मनः दृश्यवारितं चित्तमात्मनः चित्वदर्शनं तत्त्वदर्शनम् चित्वदर्शनं तत्त्वदर्शनम् तत्त्वदर्शनम् कल आपके सामने ये बात रखी वेदांत में लय की भी दो साधना है लेकिन आखिर यह जो लय है ये किसका है बोले ये चित्त का है तो इसके पूर्व चिंतकों का कहना है कि चित्त की भी दो अवस्थाएं थी चिंतन सामने आ गया है एक वर्तमान चित्त है एक निवर्तमान चित्त है वर्तमान चित्त का अर्थ है जो व्यवहार करता हुआ चित्त है व्यवहीयमान चित्त है उसको कल क्या कहा गया वर्तमान वर्तमान मतलब टेंस नहीं जो व्यवहीयमान नहीं है व्यवहार शून्य चित्त है उसको क्या कहा गया निवर्तमान चित्त जागृत और स्वप्न अवस्था वर्तमान चित्त का उदाहरण है और जो सुषुप्ति थी वह कैसी थी निवर्तमान चित्त है ठीक है ना इतना चिंतन लेकिन एक नियम मैंने आपसे कहा कि प्रकृति के द्वारा जो भी प्रदत्त है उसका फल प्रकृति सबको बराबर मात्रा में देती है चाहे वह व्यभिचारी होवे चाहे वह दुराचारी होवे चाहे वह साधु होवे अगर प्रकृति ने दिया है तो फिर वह सबको एक जैसा ही देगा उसमें बड़ा और छोटा नहीं हो सकता तो आप देखो यदि सुषुप्ति प्रकृति के द्वारा दी गई है तो सुषुप्ति का वह फल व्यभिचारी को भी वही मिलेगा जो महात्मा को भी मिलेगा ठीक है ना अगर मनन किया हो तो प्रश्न पूछ लीजिएगा विशेष फल की प्राप्ति उसी साधक को है जिसने विशेष प्रयास किया हो अगर विशेष प्रयास नहीं किए तो साधना के नाम पर उसको विशेष कुछ भी उत्पन्न होने वाला नहीं है
जो सबको प्राप्त हो रहा है वो आपको भी प्राप्त है। तो बोले विशेष प्रयास क्या है, विशेष प्रयास क्या है? तो जो निवर्तमान चित्त मिला है, प्रकृति के द्वारा जो निवर्तमान चित्त है वह सुषुप्ति है, लेकिन विशेष प्रयास के कारण जो निवर्तमान चित्त है उसको समाधि कहा गया, इसी को निरुद्ध कहा गया। निशेषेण रोधनम, ये चर्चा हो चुकी, मैंने आपके सामने नटशिल में बात रखी। विशेष प्रयास से विशेष फल की उत्पत्ति है। निवर्तमान चित्त की एक स्थिति प्रकृति के द्वारा है तो सबके लिए सामान्य है, लेकिन यदि साधक साधना के जरिए से निवर्तमान चित्त को बनाता है, ऐसे चित्त में तो फिर दिव्यत्व की उपलब्धि होती है। कल आपको चिंतन याद आ गए, तब तो साधक में कुछ दिव्यता के गुण आते हैं। कल इसीलिए कह रहा था विभूति पाद दिव्यता का गुण है। यह जरूर है कि विभूति पाद विशेष प्रयास का फल है और वह विशेष प्रयास निवर्तमान चित्त के लिए किए गए। अब मेरे ख्याल इन शब्दों से अब आपको कोई परहेज नहीं होगा, ये बात आपके दिमाग में चली गई होगी। अच्छा जी, आगे आइए। तो साधना से निवर्तमान चित्त क्या बना? साधना से निवर्तमान चित्त को क्या कहेंगे? समाधि। प्रकृति द्वारा निवर्तमान चित्त क्या हो गया? सुषुप्ति। इतना अंतर अच्छे से दिमाग में प्रज्वलित रहना चाहिए। तो यदि साधना द्वारा निवर्तमान चित्त किया गया तो उस साधक में दिव्य गुण अब क्या हो जाएंगे? उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि उसने चित्त को विशेष प्रयास से विशेष फल दिया है। कल मैंने आपसे बोला ट्रेन का डिब्बा रोक दिया सामान्य फल तो नहीं है, यह विशेष फल है। यह विशेष फल तभी हो सकता है जब व्यक्ति का चित्त ऐसा होए। इसलिए ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि इसका कोई फल नहीं होता। बहुत दिव्य जिसमें गुण आते हैं उसमें यह निवर्तमान चित्त के कारण ही आते हैं। हाँ, निवर्तमान चित्त व्यवहार शून्य होता है, ये पक्की बात है। व्यवहारी व्यक्ति तो निवर्तमान चित्त के सुख को ले भी नहीं सकता। अच्छा जी, कल आखिरी में मैंने ये जाते जाते उदाहरण दिया था, यहीं से आज प्रारंभ करता हूं। आदि जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी निवर्तमान चित्त के लिए जो उदाहरण देते हैं वो है कुंडलीकृत सर्प। कुंडलीकृत सर्प महाराज, एक घनघोर एक काला नाग कुंडली मारकर लेटा हुआ है, ठीक है। एक जो सांप है वो कुंडली मार के लेटा है। अब उसमें गति शून्यता तो दिखती है, कभी कुंडली मारकर क्या हुआ है, वो लेटा हुआ है, लेकिन गति शून्य होते हुए भी क्या वह गति शून्य है? गति शून्य दिखते हुए भी क्या वह कुंडलीकृत सर्प गति शून्य है? सोच के देखो आप, क्योंकि उसमें कभी भी वापस गति आ सकती है। देखो ये है, तो अभी जो निवर्तमान दिख रहा है, निवर्तमान मतलब क्या हुआ? व्यवहार शून्य, गति शून्य। अभी ये तो दिमाग में बैठ रहे ना समीकरण, निवर्तमान मतलब व्यवहार शून्य गति शून्य। लेकिन निवर्तमान चित्त के साथ यह एक चीज लगी हुई है कि वह कभी भी वर्तमान चित्त को बना सकता है और बन सकता है,
निवर्तमान चित्त से वर्तमान चित्त में बनने में कोई देर नहीं लगती। इसलिए रमण महर्षि का वाक्य याद कीजिए, लय गतम पुनर्भवति। गतिहीन है, बोलता हूं, पर शक्तिहीन नहीं है। कुंडली कृत सर्प गतिहीन है लेकिन शक्तिहीन नहीं है। निवर्तमान चित्त संभव है कि गतिहीन होवे, लेकिन महाराज कोई भूल से भी ना समझे कि यह जो चित्त है ये कैसा है, शक्तिहीन है। संभव उल्टा है, गतिहीन चित्त जब गति में आता है तो गजब की शक्ति होती है उसमें। जो सामान्य गति करते हैं उनसे ज्यादा गति, उनसे ज्यादा तेजस्विता, उनसे ज्यादा बल, उनसे ज्यादा पौरुष, उनसे ज्यादा सामर्थ्य उनमें है, हाँ, जो गतिहीन है। ये दोनों समीकरण समझ में आते हैं। निवर्तमान चित्त गतिशून्य है, गतिहीन है, लेकिन कोई व्यक्ति गतिहीनता को, गतिशून्यता को शक्ति शून्यता न समझे। अंतर रह जाता है कुछ। वह जो योगी का चित्त है, कौन योगी, जिसने हमारा निवर्तमान चित्त कर लिया है, वह निवर्तमान चित्त वाला योगी गतिहीन है, गतिशून्य है, लेकिन शक्तिहीन। ओहो, क्योंकि जैसे ही वह नाग उठेगा तो फिर आपको डस भी लेगा। ऐसे योगियों के आवेश में फिर अच्छी अच्छी चीजें बह जाती हैं, फिर संभाले नहीं संभलता। इसीलिए बोलते हैं कि वह व्यक्ति संकल्प नहीं ले तो ही ज्यादा उचित। कल मैं कह रहा था, यदि उसका संकल्प हो गया तो फिर समष्टि को भी उसके संकल्प का पालन करना पड़ता है। अच्छा, हमारे और आपके संकल्प की क्या स्थिति है? डेली ही संकल्प लेते हैं, फिर दूसरे दिन लेते हैं, फिर तीसरे दिन लेते हैं। देखो आप, आखिर हमारे संकल्प में इतनी शक्ति क्यों नहीं? हमारे संकल्प में शक्ति ही नहीं है, क्योंकि हम शक्तिहीन हैं। क्यों शक्तिहीन है? क्योंकि हमने कभी निवर्तमान चित्त में जाकर कभी उस शक्ति को प्राप्त, हम तो सदैव गति में ही आनंद कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं शक्ति उसको प्राप्त हो रही है जो गतिहीन है। आप जरा ये समीकरण देखो, संसार में उल्टी गति है। संसार कहता है यदि गति नहीं करोगे तो शक्ति भी नहीं मिलेगी, लेकिन अध्यात्म के साथ उल्टा है। यदि गति शून्य हो गए, व्यवहार शून्य हो गए, तो महाराज जी आपके पास शक्ति की संपदा का, कल्प में कह रहा था, रत्नाकर बनेगा, आकर बनेगा, खान बनेगा। आखिर रत्नाकर है कौन? समुद्र नहीं, साधक का चित्त ही रत्नाकर है। इस रत्नाकर से क्या क्या निकला? विभूति पाद रत्नाकर की देन है। संभव है पढ़िएगा गीता प्रेस की निकाल के, ये जो समाधि पाद के बाद ये जो विभूति पाद है यह रत्नाकर है। एक एक सिद्धि महाराज ऐसी ऐसी हो गई। कहां से हो गई? बोले चित्त से ही हुई। बोले किस चित्त से हुई? निवर्तमान चित्त से। कल संभव मुझे तो बड़ा अच्छा था, ये चिंतन में आया, वर्तमान चित्त का पालन व्यक्ति को साधु बनाता है, निवर्तमान चित्त व्यक्ति में दिव्यता का गुण लाता है। कोई वर्तमान चित्त को विशेष प्रयास से संभाले, साधारण प्रयास नहीं, हो तो हम लोग हैं, अगर विशेष प्रयास से संभाले तो संस्कार, व्यवहार, लेना देना, सुनना बोलना, ये विशेष प्रयास करे तो हमारा चित्त क्या बन गया? साधु बन गया।
साधु चित्त का ही तो नाम है भाई, साधु वेश का नाम थोड़ी ना। चित्त का नाम साधु है और वर्तमान चित्त को संभाल लिया तो साधु बन गया, निवर्तमान चित्त को अच्छे से कर लिया तो बोले उसी साधु में महाराज दिव्य गुण समावेशित हो गए। ठीक है, चाहे आगे बढ़ जाइए। निरुद्ध चित्त फिर से, जो भी चित्त निरुद्ध है, अब इसके सब एक एक पेंच आप देख लो खोल के, जो भी चित्त निरुद्ध है वह वर्तमान चित्त तो बनेगा ही बनेगा, ये नियम है। कोई चित्त सदैव के लिए निरुद्ध नहीं हो सकता। अब मैं जब निरुद्ध कहता हूं तो उसका अर्थ समझिएगा, निशेषेण रोधनम, निशेषेण रोधनम, इसकी चर्चा एक दो दिनों पहले मैं कर चुका हूं कि रोधनम मतलब क्या। तो यदि किसी साधक ने निरोध किया है तो एक बात तो वो अपने मस्तिष्क में डाल ले कि भविष्य में उसका जो चित्त है वो वर्तमान चित्त तो बनेगा। सदैव निशेषण निरुद्ध चित्त की अवस्था नहीं रह सकती, कोई कितना भी समाधि का अभ्यास कर ले, बहुत ज्यादा अभ्यास कर लिया तो सहज समष्टि तक है, फिर दूसरी समष्टि में फिर आओ, हो गया। तो यह निरुद्ध चित्त की, अच्छा बोला गया महाराज आपने बताया कि लय दो प्रकार का है, याद आ गया आप चिंतन, लय दो प्रकार चित्त के बोलते हैं। एक निशेष निशेष रोदनम की एक और अवस्था है। अभी तक कितनी चित्त की बात हो गई, दो, कौन कौन सी? एक तो लय की अवस्था हो गई सुषुप्ति, ठीक है, वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। एक समाधि की स्थिति हो गई जो विशेष प्रयास से प्रदत्त है। रमण महर्षि वैसे हैं, एक निशेषेण निशुद्ध निरुद्ध चित्त की एक और स्थिति है, बोलते हैं वह चित्त की स्थिति है मन का नाश। इसमें भी मन की अनुपस्थिति है, इसलिए जरा श्लोक बहुत ध्यान से देखिए, लय विनाशने उभय रोधने, लयम च विनाशम च, दो चीजें हो गई, लयम च विनाशम च, एक लय है और एक विनाश है। बोले उभय रोधने, दोनों में ही एक चीज सामान्य है, मन की अनुपस्थिति। प्रकृति द्वारा छोड़ दें, पुरुषार्थ की बात करें तो एक तो ध्यान स्थिति समाधि स्थिति है, दूसरी क्या हो गई, मनोनाश। मनोनाश की स्थिति भी मन की निरुद्ध अवस्था है, लेकिन महाराज ये समाधि अवस्था से बहुत आगे है। कौन सी स्थिति? मनो बहुत आगे है, मतलब आप उसकी दूरी को नाप ही नहीं सकते। बोले कौन सा श्रेष्ठ है? समाधि में चित्त गया हुआ लय निरुद्ध गया हुआ चित्त, समाधि अवस्था में जो चित्त निरुद्ध है और मनोनाश में जो चित्त निरुद्ध है, उन दो निरुद्ध चित्तों में कौन सा श्रेष्ठ है? रमण महर्षि क्या बोलते हैं, नष्ट मानसः उत्कृष्ट योगिनः। देखो दो चित्तों की बात कर दी थी, लय विनाश, अब बोलते नष्ट मानसः उत्कृष्ट योगिनः। बोले महाराज सच्चाई तो ये है, लय गतम पुनर, लय किया गया चित्त तो आ जाता है, लेकिन जिसने मनोनाश कर दिया उसका चित्त कभी भी वर्तमान चित्त नहीं बनता। ओ बोले ये होता है? बोले यही होता है। कब होता है? बोले जीवित रहते होता है,
देखो आप रमण महर्षि की स्थिति। उन्हें महाराज इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। किसके बारे में? मनोनाश के बारे में। बोले देखो मन के नाश की साधना क्या है? अब बहुत एकाग्रता चाहिए आधे घंटे आपकी मनोनाश में। मनोनाश की विधि क्या है? हाँ अरे ना भाई, कामना का उदय कैसे नहीं होगा आप बताओ। एक चिंतनात नाश मेत्य अदह, आ गई वहीं पे जवाब दिया। देखो आप प्राण बंधना लीन मानसम, लय करने का साधन क्या बन गया? प्राण बंधनात। तो बोले नाश का साधन क्या बनेगा? बोले एक चिंतनात नाश मेत्यदा। संभव दो तीन दिन पहले इस एक चिंतन की बात मैंने छुई थी। एक चिंतन का मतलब क्या? दो चीजें कही थी, आगे अपने आप आएगा। दृष्टत्व का चिंतन और कारणत्व का चिंतन एक चिंतन कहलाता है। चित्त में स्मरण में आता ही बात। दृष्टत्व का चिंतन, दृष्टा की उपलब्धि, दृष्टा का चिंतन एक चिंतन कहलाता है। और कारणत्व का जो चिंतन है ये तो वो कर लीजिए, वो भी कैसा चिंतन कहलाता है? एक। मैं एक झलकी देता हूं आपको बस, क्योंकि अब आएगा तो फिर निकलेगा अपने आप ही मुख से। चलिए कारणत्व की बात कहता हूं। कारणत्व के चिंतन से मनोनाश कैसे? यात्रा देखो आप। कारणत्व के चिंतन से मनोनाश की यात्रा कैसे हुई? साधन कौन हो गया? एक चिंतनात। बोले कारणत्व का चिंतन मतलब क्या? यह बात पहले समझ में आ जाए, इतना तो चिंतन बोले आप पहले से करके लाओ। क्या चिंतन? यह निर्णय आ जाना चाहिए इस जगत का जो कारण है वह चेतन है। अगर यहां तक नहीं पहुंचे तो बोले आप तो फिर अभी तो कक्षा से बाहर जाओ, आप तो कक्षा से बाहर जाओ, क्योंकि आप पहले यह चिंतन करके आ जाइए फिर आगे की बात करेंगे। जो व्यक्ति अणु परमाणु ऊर्जा प्रकृति इनको मानता है तो वह व्यक्ति तो अभी एक चिंतन के लायक ही समर्थ ही नहीं बना। बोले वो तो दूर हो जाए। यह समझ में आ जाए कि इस सृष्टि का जो कारण है वह कौन है? वह चेतन है। इतने पहले निष्पत्ति आनी चाहिए, ठीक है ना? पहले पंच महाभूत भी है तो पंच महाभूत का कारण भी कौन है? चेतन है। अब कर लेना आप ये सब ठापटक। पृथ्वी से ले लो अग्नि, ले लो अग्नि जल, ले लो जल से वायु, ले लो वायु से आकाश, ले लो फिर आकाश का कारण कौन बन गया? बहुत सारी विधियां हैं और मेरे ख्याल वो विधियां मैंने कई बार आपको समझाई होंगी, आएंगी तो फिर समझाऊंगा। अभी तो मैं इस विषय को इतना ही लूं क्योंकि फिर ये विस्तार बहुत हो जाएगा। इतना तो आपको सोच के आना चाहिए और सोचने वाले यही नष्ट मानसा की साधना संभव है कि वह निर्णय पहले यह कर ले कि इस जगत का जो कारण है वह कौन है? चेतन है। और यह नहीं हो पाता तो फिर से कीजिए। अनेका अनेक विवेक आपके यहां उपलब्ध किया गया, अनेक नित्यानित्य वस्तु विवेक, दृष्टादृश्य विवेक, कारण 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 कार्य संबंध विवेक, बहुत सारे विवेक हैं। सब विवेकों की निष्पत्ति एक है। और अगर उस प्रणाली से आप यहां तक नहीं पहुंचते तो समझिए प्रणाली दूषित है। क्या आना चाहिए परिणाम? इस जगत का जो कारण है वह चेतन है। ईशावास उपनिषद बोल देता हूं, ईशावास्य मिदगम सर्वम
ईशावास्यम जगतम जगत इदम सर्वम। वास्यम मतलब आच्छादनीय, यह पूरा का पूरा जगत ईश से आच्छादनीय है, व्याप्त है। इसका मतलब क्या है? व्याप्त मतलब ये नहीं कि मैंने इस फूल पे ऐसा हाथ कर दिया तो ये व्याप्त है। बोले इस जगत का जो कारण है वह कौन है? वह चेतन है। अच्छा जी, अब देखो कहां से मनोनाश तक सफर तय करता, आगे देखिए। अब यदि कारण चेतन है, घबराना नहीं आप एकदम, आप जो विषय है इसलिए मुझे बोलना ही पड़ेगा। कारण यदि चेतन है तो क्या उस चेतन से कोई भी कार्य की उत्पत्ति हो सकती है? प्रश्न देखना आप साधक। पहले तो उसने ठूंक पीट के ये माना कि चेतन कारण है, चेतन से कुछ उत्पत्ति हो सकती है क्या? अगर चेतन भी जड़ बनाता है तो चेतन चेतन न रहकर अब क्या बन गया? फिर तो परिणामी कारण हो गया। पकड़ में आता है? दूध ने दही बना दिया तो दूध से मुलाकात नहीं हो सकती। बीज से क्या बन गया? वृक्ष। तो बीज से मुलाकात, अगर चेतन से जड़ बन गया। अच्छा, आपत्तियां देखो, कारण चेतन है तो जड़ कैसे कार्य हो सकता है? और चेतन का कार्य चेतन हो नहीं सकता, क्योंकि कारण में ये चेतन का कार्य तभी हो सकता है जब कारण में क्या आ जाए? विकार आवे। कार्य की उत्पत्ति तो तभी होती है जब कारण में विकार है। चलो सुनिए अच्छे से वेदांत। किसी भी कार्य की उत्पत्ति तभी है जब उसके कारण में विकार है। बताओ आप जरा, बिना विकार के कैसे उत्पन्न हो सकता है? मिलता है तो उसको क्या मानना पड़ेगा? यदि चेतन से कुछ हुआ और कोई मानता है कि बना चेतन से, तो आपको चेतन को विकारी बोलिए ना? और चेतन को तो शास्त्र कभी विकारी की संज्ञा, इसका मतलब चेतन से किसी भी चीज की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। देखो, उत्पत्ति हो नहीं सकती लेकिन उत्पत्ति दिखती है। उत्पत्ति हो नहीं सकती, उत्पत्ति दिखती है, इसी का नाम मिथ्या है। शब्द अच्छा बोलता हूं, मिथ्या शब्द क्या बोलूं? इसी का नाम विवर्त है, इसी का नाम विवर्त। इसको अच्छे से समझ लीजिए, जो हो नहीं सकता वो होता हुआ दिखाई दे तो आप इसको क्या कहेंगे? अब साधक की देखो करे क्या, सिद्धांत के तौर पर उसने ये श्रवण किया कि चेतन से कोई भी चीज, लेकिन उसकी जो अनुभूति है वो ये है कि उसके सामने जगत है। मैं अपने लिए कभी ऐसा सोचता हूं, ये समझ में आ जाए ये चीज, कि एक जादूगर ने महाराज हमारे ही सामने, ठीक है, उस बैंगन में से घड़ी निकाल दी, मेरी घड़ी बैंगन में मिली, मेरे सामने ही उसने उसमें ग्लास में उसने पानी भरा, और आपसे क्या बताएं, मेरे सामने ही उसने उस ग्लास से कबूतर निकाल दिया। अब ग्लास में कबूतर कहां से आ गया? और कबूतर निकला सामने ही। अच्छा, पढ़े लिखे होने के कारण ये उत्तर दे, कभी ग्लास से कबूतर कभी कभी देखा? वो क्रेप होता है ना, क्रेप क्या बोलते हैं उसको, पेपर सजाने वाला,
महाराज वो उससे रुपये निकलता है, रुपये भी निकलता है, रुपये निकलता जाता है। देखा होगा जादू आपने। अब बचपन में भी यह बुद्धि में प्रश्न आता था कि यदि ये पैसे ही निकाल रहा है तो फिर जादू क्यों दिखा रहा है। यदि ये पैसे ही निकाल रहा है तो जादू क्यों दिखाता है। अच्छा, क्या मैं ये मना कर दूं कि ये पैसे नहीं निकाल रहा है क्या? भाई मुझे दिख रहा है इसने पैसे निकाला। अब ऐसी स्थिति को आप क्या कहोगे? थोड़ा कभी ऐसा विवेचन कीजिए, जो हो नहीं सकता वो होता हुआ दिख रहा है और उसके बाद वो फिर से पैसे मांगने लगता है जादूगर। जादू हो गया तो हमारा लाओ पैसा 2000-5000 जो आपने हमसे वादा किया था, तो भाई तुम अपना वाला ले लो पैसा जो निकाला था तुमने। महाराज वो तो ये भी सामने कहता था क्या खाना है आपको, आप बोलो गुलाब जामुन खाना है, गुलाब जामुन ला के दे देता है। यदि ये गुलाब जामुन दे देता है तो ये खुद क्यों नहीं खाता, फिर जादू दिखाने की क्या आवश्यकता। कभी सोचना प्रायोगिक। एक बात तो ये सच है कि कभी ना वो गुलाब जामुन बनाया उसने, न कबूतर बनाया, हाँ न पैसा बनाया। उसने हमारी दृष्टि को क्या कर दिया, बाधित कर दिया, मतलब बांध लिया जिसको आपकी भाषा में कहें, क्योंकि ये उत्पत्ति कभी हो नहीं सकती। ऐसे ही शास्त्र के जरिए से ये प्रमाण बन जाए आपकी कि चेतन से कोई भी चीज पैदा हो नहीं सकती, क्योंकि यदि पैदा हो गई तो वह चेतन विकारी हो जाएगा। चेतन परिणामी हो जाएगा, सुन गया? अच्छा, अब अगर पैदा ही नहीं हुआ, ठीक है, इसका मतलब यह जो मन नाम की चीज दिखती है यह वास्तव में सच, जो चेतन से कुछ पैदा, चिंतन का जो मूल विषय क्या है, वर्तमान चित्त, निवर्तमान चित्त, चित्त ही तो है। यह जो चित्त है यह वास्तव में है ही नहीं। अब लीजिए, अब जब चित्त है ही नहीं तो आप इसको क्या कहेंगे? और चित्त दिखता है तो कहा गया जो चित्त दिखता है वह विवर्त है। तो अब एक शब्द सीखिएगा, विवर्त है। इसकी संगति ऐसे लगाता हूं मैं, जब कारण में परिणाम भी ना होवे और सृष्टि का दर्शन भी होवे। दोनों समीकरण याद रखिए, कारण में परिणाम भी नहीं है, सृष्टि का दर्शन भी है, तब आप समझ लेना कि वह जो सृष्टि होगी उस सृष्टि को विवर्त सृष्टि कहते हैं। इसको तो आप अच्छे से रट लीजिए, कभी खुलेगा तो खुलेगा, जितनी साधना बढ़ेगी उतनी अच्छे से खुलेगा। हो नहीं सकता उसके बाद भी होवे, उसको बोलते हैं विवर्त। इसलिए अभी संज्ञा को लिए तो मन भी क्या हुआ, विवर्त की, विवर्त मतलब क्या पता है? विरुद्धम वर्तनम, क्या बोला मैंने? विरुद्धम वर्तनम। वर्तन शब्द कल भी आया था, आपको याद रखिए ना, निरुद्ध चित्त में भी ये सब, ये वर्तन की बात की थी मैंने। विरुद्धम वर्तनम, विरुद्धम मतलब महाराज उल्टा ही दिखाता है, विरुद्ध है पूरा, जो पूरा का पूरा विरुद्ध दिखाए आप उसको क्या कहेंगे? ये विवर्त है। ये कैसा है? विवर्त है। अब ये विवर्त शब्द याद रखिए, जो हो नहीं सकता फिर भी दिखाई दे। कठिन अजातवाद से अंतर सीखिए,
इससे भी ऊंचा एक, इससे ऊंचा भी एक वाद है, विवर्तवाद से ऊपर एक वाद है, उसको बोलते हैं अजातवाद। अजातवाद ये कहता है महाराज बंध्या के पुत्र हो ही नहीं सकता, तो विवर्त की बात क्या करते हो आप। इससे ऊपर भी एक दृष्टि, ये है महापुरुष लोग। लेकिन हम साधकों के लिए अजातवाद की तो बात खैर दूर की बात रही, हम तो विवर्तवाद की बात कह रहे हैं। जो चीज संभव नहीं है वह चीज दिखाई दे तो उसको क्या मानना चाहिए, ये विवर्त है। बोले महाराज हमको कुछ नहीं समझ में आया आप क्या कह रहे हो। बोले अच्छा समझता, मनोनाश का अर्थ मन का नाश करना नहीं है। हमारी गलती यही है, हम नाश मतलब क्या समझ रहे हैं पता है, ये आग ली और इस लकड़ी को लगा दिया, ये स्वाहा हो गई। हमको लगता है मनो हमारा जो मन है उसमें आग लगा दी इन्होंने, जल के स्वाहा हो गया, ये इसका कदापि अर्थ नहीं। मन मनोनाश का अर्थ है मन को बाधित करना, शब्द ही पूरा याद आए। वेदांत जब भी नाश करने की बात कहता है हाँ तो बाधित करने की बात कहता है। अब यही मैं सोच रहा हूं आपको कैसे कहूं, ऐसा समझिए अच्छा, आकाश की नीलिमा से, आकाश में नीलिमा दिखते हुए भी आप नीलिमा को सच मनोनाश छोड़ दीजिए। अपना उदाहरण ले लीजिए, आकाश में जो अभी नीलिमा दिख रही है यह नीलिमा वास्तव में है या नहीं है, हाँ क्या बोलते आप। और यदि है तो जितनी चीजें उड़ती हैं वो सब चीजें कैसी हो जानी चाहिए। तो अब आपका क्या निर्णय है मुझे ये बताइए, फिर नीलिमा के बारे में क्या 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 ख्याल है आपका। हाँ ये आपने माना ना कि नीलिमा दिखती तो है, चलो शब्द बोलता हूं, नाश का अर्थ अदर्शन नहीं है। वेदांत के साधकों के साथ परेशानी यही है, वो नाश को अदर्शन की कोटि में ले आए। अदर्शन मतलब मैंने इसका नाश कर दिया तो अब नाश हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज मुझको दिखनी। तो हमने क्या सोचा, मन का नाश हो गया तो फिर मन भी दिखना, इसका मतलब मनोनाश नहीं समझा, यही है। नाश का मतलब अदर्शन नहीं है, यहीं पे जो बार बार आप बोल रहे हैं उलझ जाता है वो, इसीलिए कि अब वेदांत इस शब्दों को कहता है, आप भी ये बात मानते हो कि नीलिमा दिखती है, नीलिमा दिखने के बावजूद नीलिमा सच, तो वेदांत कहता है इसको ऐसा प्रयोग कीजिए, आपने नीलिमा का बाध कर दिया। क्या शब्द बोलेंगे अब आप, नीलिमा का बाध कर दिया। तो अच्छा नीलिमा का बाद कर दिया, जब यह वाक्य कहते हैं तो इसका क्या अर्थ निकला कि नीलिमा नहीं है क्या, नीलिमा है लेकिन वो वास्तव में सच, इसका मतलब दर्शन होएगा लेकिन वो सच नहीं है। हाँ रेगिस्तान ले लीजिए, चलो एकदम सही है, एकदम सही है, वहां पर जल है नहीं लेकिन नहीं है तो क्या दिखेगा नहीं क्या। वेदांत के साथ यही एक है, नहीं होने के बाद में भी दिख रहा है, तो आपने क्या किया फिर, वह जो पानी था उसका क्या कर दिया, बाद। अब देखो पानी का बाद मतलब क्या हुआ, दिखते हुए भी यह बुद्धि बना लेना कि वो वास्तव में नहीं है। इतनी परिभाषा को खूब कील ठोक लीजिए दिमाग,
ऐसी चीजें एकत्र कीजिए और साधना में लाइए कि जो चीजें दिखने के बावजूद भी प्रमाण ये कहता है कि वो वहां पर है नहीं, और आपने भी माना है। और मैंने दृष्टांत जैसे इन्होंने भी दिया भाई, रेगिस्तान में जल और आकाश में नीलिमा। तो हम और आप आकाश की नीलिमा को ऐसा शब्द प्रयोग कीजिए कि आपने नीलिमा का क्या कर दिया, बाध कर दिया। नीलिमा का बाध करने का अर्थ यह नहीं है कि नीलिमा का अदर्शन हो गया, ठीक है, नीलिमा का अदर्शन नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, नीलिमा दिखते हुए भी नीलिमा सच, ये तो दृष्टांत तो समझ में आता है। इसी तरह से मन का बाध करने का मतलब, मन का दर्शन होते हुए भी, मन के व्यवहारों को देखते हुए भी यह प्रमाण बैठना दिमाग में कि मन नाम की कोई चीज वास्तव में, ऐसी प्रमा जिसके दिमाग में बैठ गई, कैसी प्रमा कि मन बाधित है। बाधित का मतलब क्या हुआ, दिखते हुए भी सच, तब समझ लेना कि उस साधक का मनोनाश, ओहो मिल गया उसको वो पद मिल गया जो चाहिए। इतनी सी बात है सिर्फ, देखो। अच्छा फिर तो नीलिमा का नाश मतलब एक्चुअली में अदर्शन नहीं है, ये याद कर लेना। मैं बार बार कह रहा हूं, नाश मतलब अदर्शन नहीं। ये हम लोगों ने हिंदी में जो पढ़ रखा है, नाश मतलब अदर्शन, और वेदांत क्या कह रहा है, नाश मतलब दिखते हुए भी, अब क्या शब्द दिखते, प्रतीति होते हुए भी वह वास्तव में वहां है। देखो प्रतीति तो कैसी होती है आपको बताऊं, आप प्लेन में बैठो तो आपको लगता है कि प्लेन मूव नहीं कर रहा है, लेकिन प्लेन मूव कर रहा है। कभी आपने ऐसा देखा, द प्लेन में ट्रेवल करें तो आपको लगता है कि प्लेन मूव ही नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत जबरदस्त मूव कर रहा है। ट्रेन में बैठ जाइए, आपकी ट्रेन खड़ी है, दूसरे की ट्रेन जा रही है, तो अनुभव क्या होता है, हमारी ट्रेन भी धीरे धीरे क्या हो रही है। ये लो, होता तो नहीं है लेकिन फिर भी मुझे आंखों से दिखाई, तो आपने भी बचपने में देखा होगा कि ट्रेन के साथ बस के साथ चलते चलते तार भी कैसे हमको दिखाई देते हैं, तो दिखाई तो दे रहा है। कितने दृष्टांत दे दिए जाए, विज्ञान कहता है सूर्य का उदय दिख रहा है, तो कितनी सारी घटनाएं, लेकिन आपने इन घटनाओं के साथ ये भी माना है दिखते हुए भी यह चीजें, तो कौन सी बड़ी बात है कि वेदांती कहता है कि मन का दर्शन होते हुए भी, हाँ मन सच नहीं है। मैं आगे सब अभी ध्यान रखना, कारणत्व से मनोनाश जा रहा हूं मैं, परंपरा मत भूलिएगा, कहां से स्टार्ट किया चिंतन वो नहीं दिमाग में विस्मृत होना चाहिए। कारणत्व की यदि सिद्धि कर ली किसी ने, कारणत्व की सिद्धि, चेतन ही कारण है, तो बोले फिर चेतन से सृष्टि, तो फिर मन नाम की कोई चीज। अच्छा आप देखो आगे बढ़ते हैं, जिसका नाश चिंतन से हो जावे, जिसका नाश चिंतन से हो जावे, उसका जीवन क्या है फिर, अचिंतन। जब तक अचिंतन रहेगा तब तक वह चीज जीवित रहेगी, और जिस दिन आपने चिंतन किया वह चीज वहां से, इंक्वायरी मतलब क्या, जब तक आपने इंक्वायरी नहीं की थी तब तक वह चीजें क्या थी, सच थी। जिस दिन आपने इंक्वायरी कर दी उस दिन वह चीज आपके सामने से क्या हो गई, आप करो, चोर आदमी, फ्रॉड आदमी, आप झूठा आदमी, उसके सामने आप सच बात कहो, आपको पता इधर उधर करके निकल जाएगा, वो तो बचने के लिए 10 रास्ते ढूंढेगा, क्यों, वो फेस नहीं कर सकता। तो एक आपके पास किताब है विवेक चूड़ामणि, यहाँ है ऊपर एक श्लोक आया,
और सुंदर है। एक साधक को एक प्रश्न उठा और बहुत सुंदर प्रश्न है। उसने श्लोक क्या आया है विवेक चूड़ामणि में, को नाम बंधा, को नाम बंधा, विवेक चूड़ामणि का प्रश्न है। बंधन क्या है महाराज, ये शिष्य प्रश्न कर रहा है गुरु से। इसके प्रश्नों की गंभीरता को देखो आप, ये प्रश्न हमारे आपके चित्त में नहीं आएंगे। हमको वही तकियानुसी व्यवहार के ये मारा, ये कुटी, इसने निंदा, ये पुराण, यही आएगा। इसका प्रश्न देखो, को नाम बंधा, हे गुरुजी, हे साधु, बंधन किसका नाम है? यही नहीं महाराज, कथम एष आगतः, साधु ये बंधन कहां से आया? प्रश्न देखो कितने प्रश्न हो गए, को नाम बंधः, कथमेश आगतः, कथम प्रतिष्ठा, इसकी प्रतिष्ठा क्या है, इसका आधार क्या है, ये किस पे टिका हुआ है, कौन बोले बंधन? कितने प्रश्न हो गए, को नाम बंधः, कथमेश आगतः, कथम प्रतिष्ठा, और प्रश्न करता है कथम निवृत्ति ही, कथम निवृत्ति ही, इसकी निवृत्ति कैसे होगी गुरुजी, किसकी, बंधन की, ये उसके प्रश्न है। प्रश्न याद हो गए, को नाम बंधः, कथमेश आगतः, कथम प्रतिष्ठां, कथम निवृत्ति, इसकी निवृत्ति कैसे होगी। महाराज गुरु ने इतना सुंदर उत्तर दिया है विवेक चूड़ामणि में, बोले ये है क्या पता है, इसका जीवन कब तक है बंधन का, विचारा अभाव जीवना, ये क्या बोलेंगे, बंधन का जीवन तब तक है जब तक कि, हाँ बस, मन उसी को सच लगता है, ठीक है, और कह दे मनोनाश वह व्यक्ति करने में सक्षम नहीं है, हाँ, जिसने मन की कभी इंक्वायरी, क्योंकि वो डरता है, अगर डरता किस बात से, अगर इंक्वायरी हो गई तो मेरा सब कुछ रहस्य क्या हो जाएगा, तो बचा के रखो फिर। एक ही उत्तर, विचारा भाव जीवनः, विचारों का अभाव ही बंधन का जीवन है। इसलिए वेदांत कहते हैं कभी मत डरे इन चीजों से, इंक्वायरी कीजिए, पूछिए प्रश्न, विचारों को जागृत कीजिए, जितने अच्छे विचार आपके जागृत होंगे उतनी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, किसी चीज को जानबूझकर ऐसा कर देना कि इस पे विचार ही नहीं करना है, तो समझ लो आपने क्या कर दिया है, उसको जीवित करके रखा है, वो कुंडलीकृत सर्प है, फिर कुंडलीकृत सर्प आपको फुपकारेगा, देखना आप जीवन के रहस्य। जिस चीज को सोचने से आप डरते हैं, किस चीज को सोचने से डरते हैं, मन तो अध्यात्म बोले आपकी चिंता है, हमको डर लगता है मृत्यु से, सोच के देखो जा क्या बोलूं आप उसको, अन्यथा कभी एक दिन ऐसा आधे घंटे के लिए सोचिएगा मेरी मृत्यु हो गई तो अब शहर में क्या होगा, सोचिए जरा, कौन रो रहा है, कौन गा रहा है, कौन शमशान ग्रह में गया फिर जला के आ गया, जलाने के आने के बाद फिर ये क्या कर रहा है, और ऐसा कीजिए और खूब अभ्यास कर लीजिए, और ये समझ लीजिए कि हो गई मृत्यु, अब आपको मृत्यु होने से कभी भी डर, अभ्यास कीजिए, किस लिए डरना, मरना तो है ही, डरता वही व्यक्ति है जिसने इस चीज का अभ्यास रख लो छिपा के, भाई एक कब तक पेंदे पेंदे लगा लगा के जीवन चलेगा, एक दिन पेंदा उखड़ेगा तो वेदांत कहता है इसका अभ्यास अभी से क्यों नहीं करते,
ये अभाव जो विचारों का छिपा के रखते हो और जब एकदम से टूटेगा तब तुमको तब संभाल पाओगे क्या? लोग बोलते हैं अध्यात्म मदद करता है, अध्यात्म यही मदद करता है कि आपको इस चर्चा से पहले से ही धीरे धीरे क्या करता है, कुछ नहीं होगा, आपके पहले भी लोग मरे थे अभी भी सब कुछ ये है, ये शक्ति देता है इतनी। और एक बार कोई मृत्यु से जीत गया महाराज तो उसको डर नहीं लगता क्या होगा। अच्छा क्या होगा? मृत्यु, हाँ तैयार हूं। अब बताओ वो व्यक्ति क्यों डरेगा, गलत काम का क्यों करेगा फिर? इसलिए विवेक चूड़ामणि का कथमेश आगतः कथम प्रतिष्ठाम को नाम बंधः, बोले अविचार कृतो बंधः। ये जो बंधन का जो कारण है वो क्या है पता है? अविचार। जीवन क्या है? बोले अविचार। टीका किस पे है? बोले अविचार। उत्तर एक ही है, कहां से आया? अविचार। कहां से आया? अविचार। अच्छा भाई, बोले महाराज वो फिर नीलिमा क्या है? अब नीलिमा को परिभाषित कीजिए, फिर नीलिमा है क्या? अच्छा जब वो है नहीं तो वो है क्या फिर? नीलिमा प्रकाश की लीला है। नीलिमा प्रकाश की लीला है क्योंकि आकाश का अपना कोई रंग, ये आपको पता है, आकाश का अपना कोई रंग, जब आकाश में ही नीलिमा है और आकाश का अपना कोई रंग नहीं है तो ये किसका खेल चल रहा है फिर? ये प्रकाश की लीला है और कुछ नहीं है। इसको जितनी अच्छी से दृष्टांत को पचाएंगे आपको उतना ही आसानी होगी। अच्छा एक चीज और बोलता हूं, वेदांत का लक्ष्य अप्रतीति नहीं है। अप्रतीति मतलब अदर्शन। लक्ष्य को क्लियर कर लीजिए एकदम, वेदांत का लक्ष्य अप्रतीति नहीं है अपितु यथार्थ का निश्चय है। इसको खूब कूट पीस के कथा लीजिए वरना आपको रहस्यवाद जाने में टाइम नहीं लगेगा। वेदांत का जो लक्ष्य है वो अप्रतीति नहीं है। अप्रतीति मतलब हमारे सामने से गायब हो जाए। हमको यही लगता है वेदांत पढ़ने के बाद, मनोनाश के बाद हमारे सामने से जगत क्या हो जाएगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि वेदांत का लक्ष्य अप्रतीति है ही नहीं। क्योंकि अप्रतीति हमको दुख थोड़ी ना दे रही है, तो फिर वेदांत का लक्ष्य क्या है? यथार्थ का निश्चय। यथार्थ का निश्चय ये है जो चीज जैसी है वह चीज मुझको वैसी बताओ, मुझमें लाग लपेट मत करो। ये मल है तो ये मल ही है, यह मूत्र है तो यह मूत्र ही है, यह रक्त है तो ये रक्त ही है, और ये महाभूत का शरीर है तो ये महाभूत का शरीर ही, इसमें मुझे अन्य चीजें मत बताओ। इसको बोलते हैं यथार्थ का निश्चय। तो ये सदैव याद रखिए, वेदांत का लक्ष्य क्या है? अप्रतीति नहीं। क्या हो गया? यथार्थ का निश्चय। अच्छा कंक्लूड करते हैं, है तो इसमें बहुत कुछ। लय की साधना का फल क्या हुआ? मन का श्रृंगार होना। मन का श्रृंगार, जिसने लय की साधना की उसने अपने मन को श्रृंगारित किया, वाह, उसने साधु बनाया, एकाग्र बनाया, सूक्ष्म बनाया, शांत बनाया, तेजस्वी बनाया। किसने? जिसने लय की साधना की, जिसने नाश की साधना की, वाह, उसने पूरे जगत को क्या कर लिया?
जीत लिया। कभी जीवन में दुख की एक लकीर नहीं आनी उसके जीवन में, एक लकीर नहीं आनी, किसी चीज से उसको भय रह ही नहीं जाएगा जीवन में। इसका साधन क्या है, इसका साधन क्या है, एक चिंतनाथ आ गया। अच्छा, तो बोले अभी आप लय के बारे में भी बोलते हैं, कभी नाश के बारे में भी अच्छा बोलते हैं। नाश भी वही व्यक्ति कर सकता है जिसने पहले चित्त को श्रृंगारित किया हो। उबड़ खाबड़ महात्मा, मन में इतना काम और क्रोध और द्वेष भरा होवे, वो क्या मनोनाश करेगा बताओ। जिसका चित्त ही दुखी है, आप सोचो, वो दुखी चित्त नाश कर पाएगा? एक आता है, महाराज जी ने एक बार कहीं स्वामी जी को बोली होगी, महाराज जी मतलब अखंडानंद जी बोलते हैं, वो परमात्मा तो हम हैं ही हैं, वह तो विचार से सिद्ध है, महात्मा बनने का प्रयास करो। महात्मा किससे बनेगा? लय की साधना से। अब परमात्मा तो सिद्धि ही हो तुम हो, तो उसमें क्या करना तुमको, वह तो विचार से सिद्धि ही है कि हम लोग वही हैं। लेकिन महात्मा नाम की जो सिद्धि होनी चाहिए, जिस दिन महात्मा की सिद्धि हो गई, उस दिन परमात्मा की सिद्धि स्वतः ही हो जाएगी। जिस दिन किसी ने लय की साधना अच्छे से कर ली, ठीक है, जिसने मन को श्रृंगारित कर लिया, मन को अच्छे से सजाया, वो व्यक्ति इस श्रृंगार को लेकर कहां पहुंचेगा? मनोनाश तक। कोई ये सोचे कि मैं उबड़ खाबड़ चित्त लेके मनोनाश कर लूंगा, तो महाराज वो तो 2 मिनट शांत नहीं बैठ सकता, वो मनोनाश की क्या बात करेगा। इसलिए बोले फिर निर्णय क्या होगा, निर्णय ये होगा कि परेशानी यह है कि कुछ लोग लय को ही आखिरी साधना मानते हैं। ये योग सूत्र आ गया, वेदांत कहता है कि लय को ही आखिरी साधना मत मानो। लय भी एक क्या है, सीढ़ी है, उसके बाद जो लक्ष्य है वो तो क्या है, हो गया। अब श्लोक देखते जाइए भाई, नष्ट कहा गया, नष्ट मानसो मिल गया, उत्कृष्ट योगिनः। कौन उत्कृष्ट योगी है? बोले जिसने चित्त का क्या कर दिया, बोले नाश कर दिया, मतलब क्या कर दिया, जिसने मन को बाधित कर दिया। बोले बाधित कर दिया मतलब क्या है, जिसने यह देख लिया कि ये वास्तव में है नहीं लेकिन प्रतीति हो रही है, जिसको बोलते हैं नाश करना। दिख रहा है लेकिन वास्तव में सच, बोलते हैं फिर इसका क्या फल होगा। मान लीजिए नष्ट मानस हो गया, अच्छा तो देखो ये रमण महर्षि की शैली है, इसलिए सदैव याद रखना ये शैली है। जो पढ़ने वाले अच्छे विद्वान हैं वो इसको पकड़ लेते थे। तुलसीदास जी की भी अपनी एक शैली है, वो बार बार प्रश्न उठाते हैं, कौन, रमण महर्षि, और उत्तर भी खुद ही दे देते हैं। कृत्यम अस्ति किम, जिसने नष्ट, जिसने चित्त को नाश कर दिया, बोले अब उसको जीवन में कुछ करने की आवश्यकता। कृत्यमस्ति किम, इसका मतलब जीवन में अब वो व्यक्ति कैसा हो गया, कृतार्थ। कृतार्थ मतलब जो करना था वो कर लिया, जो अनुभूति थी वो हो गई, अब वो क्या करे, बोलते वो कृत कृत हो गया। कृत्यमस्ति किम, क्या उसको कुछ करने की आवश्यकता है? रमण महर्षि क्या उत्तर देते हैं, महाराज उसको करने की आवश्यकता नहीं है, स्वस्थितिम यतः, जो अपने आप में क्या हो गया। बोले कौन स्थित हो गया अपने आप में, बोले नष्ट मानसा। यही श्लोक देखना, हृत सले मनः, याद हुआ किसी को, स्वस्थता क्रिया,
वो देखो वो स्वस्थ आया था वहां, स्वस्थ मतलब ये नहीं स्वस्मिन स्थितः आया था, मन को आत्मा में स्थित कर देना ही स्वस्थता है, यह आध्यात्मिक स्वस्थता है, शारीरिक नहीं। तो यहां पे भी आ गया कृत्यम अस्ति किम, क्या उसके लिए कुछ शेष है, बोलते हैं उसके लिए कुछ शेष नहीं, क्यों, क्योंकि स्वस्थितिम यतः, क्योंकि वो अपने आप में क्या हो गया, कैसे स्थित हो गया, बोलते हैं नष्ट मानसा, उसने अपने चित्त को क्या कर दिया नाश, कहां से कर दिया नाश, बोले एक चिंतनात, एक चिंतन से नाश, कौन से चिंतन से नाश किया, कारणत्व के चिंतन से नाश किया। तो देखो मैंने एक दृष्टि से दिखाया कारणत्व के चिंतन से मनोनाश, एक चिंतन और आपको दिखा देता हूं, कल दिखा दूंगा, दृष्टत्व के चिंतन से मनोनाश, जो आपको अच्छा लगे उस पे पहुंच जाइए, लेकिन आना किस पे चाहिए, मनोनाश पे, बस ये याद रखिएगा, नाश मतलब बाधित करना, अदर्शन नहीं, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम।